अभी हम लोग देखेंगे देयर इज अनदर टूल पाथ। मिलिंग में रफिंग टूल पाथ के बारे में देख के आ रहे हैं। तो नेक्स्ट टूल पाथ है रेडियल टूल पाथ। ठीक है, अभी रेडियल टूल पाथ के बारे में अभी देखेंगे। रेडियल टूल पाथ जनरली किधर यूज होता है? रेडियल सिचुएशन, वो सपोज कॉनकेव है और कॉनवेक्स है, आप आराम से रेडियल टूल पाथ यूज कर सकते हैं। जनरली देखा गया तो रेडियल टूल पाथ इसे स्पेशल टूल पाथ, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट आपको अलाउ किया तो ही यूज करना है, अदरवाइज इतना जरूरत नहीं है। ये टूल पाथ हमेशा यूज लोग नहीं करता है, बट रीजन ये है, ये इस स्पेशल वे ऑफ मूवमेंट है। बट हम ऐसा नहीं बोल सकते यूज ही नहीं होगा, तो ये हो सकता है कुछ सिचुएशन में आपको ऐसा ही कटिंग करना है, ऐसा है तो ये टूल पाथ आप यूज करते हैं। उसके लिए एक छोटा एग्जांपल बनाएंगे। तो अभी मैं कट सी प्लेन है, फ्रंट में जाता हूँ, ये भी फ्रंट, कितना रेडियस, बहुत बड़ा नहीं करेंगे, 35। ठीक है, सर्कल को तोड़ देता हूँ। ये नहीं चाहिए, एक छोटा फिलेट, इसको भी मेरे को तोड़ना है, ब्रेक इनटू टू पीसेस, क्योंकि मैं रिवॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, एक ये कंडीशन पता नहीं है मेरे को, इसलिए मैं ट्रिम करवा देता हूँ एंड को, दोनों एंड। ठीक है, तो ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा रोटेशन है, इसको भी चाहिए तो बहुत बड़ा नहीं चाहिए मेरे को, छोटा ही चाहिए, ब्रेक इनटू टू पीसेस। ठीक है, अभी मैं इसका एक छोटा मॉडल बना देता हूँ, ये है कॉनकेव का रहेगा। ओके, अभी आप आइसोमेट्रिक में जाएंगे, सी प्लेन है, टॉप रखेंगे तो देखो सॉलिड भी ले सकते हो, सरफेस भी ले सकते हो। सरफेस में क्या किया तो लास्ट टाइम तो सॉलिड देखा, ये बार सरफेस देखेंगे, सरफेस रिवॉल्व। ठीक है, अभी चेन, अब ये पार्शियल चेन ले लो, वेट ले लो, यहाँ से यहाँ तक, और इसको रोटेट करना है, इसकी रोटेशन एक्सिस मांगता है, ये देखो अभी ये एक सरफेस बन गया। ठीक है, तो अभी मेरे को ऐसा एक शेप बनाना, कॉन्वेक्स प्रोफाइल एक है, उसको मशीनिंग करना है। तो इसको कैसे मशीनिंग करने का करके ये रेडियल टूल पाथ रफिंग में से देखेंगे। अभी इसको भी आपको पहले पहले जीरो सेटिंग तो करेंगे, तो अब मैं काम करता हूँ ट्रांसफॉर्म में जाके, मूव टू ऑरिजिन, ये 3D को देखते हैं, ये पॉइंट एंड टॉप पॉइंट सेलेक्ट किया। ठीक है, अभी मूव कर दिया है, और भी थोड़ा चाहिए तो मूव कर लो, क्योंकि ये ना टॉप थोड़ा अनक्लीन होगा, मीन्स एकदम आप स्टॉक रखेंगे ना, स्टॉक रखेंगे तो इधर टूल जाएगा ही नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा और डाउन करवा देता हूँ। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट द एंटायर थिंग एंड माइनस 5 mm डाउन कर लिया मैंने, इसको मूव कर लिया।
अभी देखो ये कैसे हमने प्लेस किया, ऐसा प्लेस नहीं किया तो इधर कटर जाएगा ही नहीं, टॉप में, टॉप में थोड़ा मेटल रुक जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा जॉब को नीचे करवा दिया। अभी ये जॉब है सर्कुलर शेप का है, तो हम स्टॉक में भी थोड़ा मॉडिफाई करके बनाना पड़ेगा, है ना। स्टॉक डिफिनेशन, सो ये 3D में है, स्टॉक डिफिनेशन हम बोल देंगे अभी सिलेंडर, तो कौन सा एक्सिस में सिलेंडर है, जेड एक्सिस में, बाउंडिंग बॉक्स बोल दे। ठीक है, अभी देखो बन गया ना। ठीक है, हाइट 35 है, ये बन गया अक्सर। ये स्टॉक मटेरियल है, नहीं तो मेरे को सर होल्डिंग के लिए नीचे चाहिए, तो आप इसको कर दो, इधर जाके -30। गलत हो गया, सॉरी, +30। क्या कर रहा हूँ मैं, ये 50 बोल दिया। माइनस मेरे को 35 ऊपर चाहिए, है ना, इसके मतलब मेरे को डाउन में -50। ओके, -30 और भी नीचे करना, -45 पूरा ऐसे, नहीं 50, -50। सो ऑटोमेटिकली ये जो, क्योंकि उसको सेंटर पॉइंट है, स्टॉक सेंटर पॉइंट बॉटम है, इसलिए ये थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। अभी देखो फ्रंट में, ठीक है, अभी होल्डिंग के लिए भी हमारे पास मटेरियल है, अभी इसको रफ आउट करना होगा। अभी राइट क्लिक किया, टूल पाथ, सरफेस, रफ टूल पाथ है ये, रेडियल टूल पाथ, इधर भी वही ऑप्शन है आपको, कैविटी है और बॉस है और अनडिफाइंड है। ये सरफेस मेरे को मशीन करना है तीनों, एंड सिलेक्शन, और इसमें भी चेक सरफेस नहीं है, कंटेनमेंट बाउंड्री मैंने नहीं बनाया है, मेरे पास कुछ बन गया तो अच्छा रहता था, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे ही रख देता हूँ। ये रेडियल पॉइंट मांगता है, मीन्स दैट पर्टिकुलर पॉइंट द टूल हैज टू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, सो वो रेडियल पॉइंट आप ये जी को ले लिया। टूल टूल आर टू, ठीक है, ये टूल नंबर वगैरह चेंज कर लो, टूल नंबर 1, और ये CS है 1, ये मैं जेनरिक ले रहा हूँ, ये फीड रेट वगैरह आपका मशीन का टूल का कंडीशन के हिसाब से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर में ये जेनरिक समझ के 150 कटिंग स्पीड, माइल्ड स्टील और नॉर्मल स्टील का ये चीज़ लेके कटिंग फीड एंड फीड पर टोथ यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो आप आपका मशीन कंडीशन के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। अभी स्टॉक पॉइंट 5 छोड़ देता हूँ, रिमेनिंग सभी पैरामीटर इसके पहले जो देखा उसके बारे में, ये भी ऐसे ही कंटेनमेंट बाउंड्री के रिलेटेड है। अभी कटिंग मेथड है जिगजैग है, वन वे, दो ऑप्शन है, अभी वन वे ले लो, स्टेप डाउन टू है ये, ठीक है, ये इसके बारे में अभी देखेंगे। स्टेप डाउन मीन्स डेप्थ अप, ठीक है, ये कटिंग मेथड वन वे और जिगजैग क्या चीज़ है आपने देख चुका है। स्टार्ट इनसाइड ये नया है, स्टार्टिंग पॉइंट,
इनसाइड स्टार्ट आउटसाइड, जनरली इनसाइड से बाहर, जनरली नहीं जाता, बाहर से ही अंदर आना चाहिए, वो सही है। हाँ, स्टार्ट फ्रॉम आउटसाइड, अलाउ नेगेटिव मोशन, अलाउ पॉजिटिव मोशन, ये दोनों ऑन है। इधर भी वही ऑप्शन है, कट मल्टीपल, कट फ्रॉम वन साइड, कट फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। अलाउ मल्टीपल फ्लैंज रख दिया तो ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ठीक है। ये है इंक्रीमेंट एंगल 1 डिग्री, ये है स्टार्ट डिस्टेंस, ऑफसेट डिस्टेंस, ये 0 रख दिया तो हमेशा टूल ये सेंटर पॉइंट में जाके आएगा। हम और रफिंग है ना, तो आप थोड़ा स्टॉक रखना है तो 1 mm छोड़ दो, और स्टार्ट एंगल 0 है, एंड एंगल 360 है। इंक्रीमेंट एंगल देने से आप अभी 1 1 डिग्री में आपने शिफ्ट करने वाला है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, देख लो कैसे टूल पाथ बनता है। टूल पाथ ही नहीं बना है ना, बन गया बन। चलो इसमें कंटेनमेंट बाउंड्री का जनरली जरूरत नहीं रहता है, ठीक है। एक कंटेनमेंट बाउंड्री डाल दिया तो भी अच्छा है, ऐसा नहीं है आप टॉप में आओ, ऐसे मटेरियल में आ जाओ, वायर फ्रेम है, क्रिएट कर्व है, ये जी कर्व है, ठीक है। अभी वापस जाके आप कंटेनमेंट बाउंड्री ऐड कर सकते हैं, इधर से ये ज्योमेट्री में जाओ, कंटेनमेंट बाउंड्री इधर, ठीक है। कंटेनमेंट बाउंड्री डालने से अच्छा है ये अपने आप थोड़ा समझ लेते हैं, ये टूल पाथ कैसे काम करता है देखो। ये ऐसा काम करता है, रेडियल मींस ये एक छोटा होल दिख रहा है देखो, ये 1 mm का हमने छोड़ा ना हो, इसको कटिंग करने का तरीका देखना है तो ये मैं चलाता हूँ। ये है रेडियल टूल पाथ, थोड़ा स्पीड चलाएंगे इसको, ये टूल पाथ है, ऐसा कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव शेप आता है तो आप आराम से रेडियल टूल पाथ यूज कर सकते हैं, बट इतना कितना एफिशिएंसी ऐसा पूछेंगे तो इतना एफिशिएंट नहीं है ये टूल पाथ, क्योंकि उसका कटिंग टाइम ज़्यादा ही रहेगा, वही टूल पर दूसरी मेथड से किया तो बहुत कम होगा। तो ये है एप्लीकेशन स्पेसिफिक है ये पर्टिकुलर टूल पर, ये आप देखना पड़ेगा कैसे है, ये 1 वे रखा है तो हमेशा ये रिट्रैक्ट होता है ना, इसलिए ये ऐसा बनता है। तो 1 वे इज नॉट सूटेबल, मतलब हमेशा वो ऊपर उड़ते उड़ते जाएगा, तो जिगजैग ही कर दो। और इसका मतलब मैंने बताया ना, ऑफसेट डिस्टेंस 10 mm दे दिया तो कैसे काम करता है, ठीक है, दिख रहा है ना, 10 mm का वो छोड़ दिया, इससे ये ऑफसेट डिस्टेंस इसका मतलब रहता है। ये ऐसा रुक जाएगा मटेरियल। आप जनरली कितना छोड़ सकते हैं, आपका टूल डायमीटर का आधा ऑफसेट डिस्टेंस में डाल सकते हैं, आपका टूल डायमीटर कितना है, 12 है,
अभी अराउंड 6 mm है, तो आधा रेडियस है, बट हमारा तो कॉर्नर रेडियस भी है, इसलिए हम 4 mm रखने से टूल एंड तक जाएगा, मतलब कुछ बचेगा नहीं मटेरियल कट करने में। क्या बोल रहा हूँ, ये मैं क्या बोलने आता हूँ, मतलब ये है डायमीटर है इसका 12 का, उसको सेंटर पॉइंट से ही टूल पाथ जनरेट मीन्स कैलकुलेट करता है ना, उसके मतलब रेडियस 6 mm, तो समझो इधर टूल है, तो टूल इधर आ गया समझो, तो टूल इधर आया, तो देखो ये आधा रेडियस है ना, तो इधर तक आ गया देखो, तो इधर मेटल बिल्कुल नहीं रहेगा, पूरा क्लियर कर देगा, इससे ज्यादा छोड़ेगा तो इधर मेटल थोड़ा छूटेगा, तो ये 0 दे दिए तो अल्टीमेटली हमेशा वो 0 आके भी जाएगा, भी वो भी गलत नहीं है, बट अननेसेसरली थोड़ा ज्यादा मोमेंट दे रहा है बस, और कुछ नहीं, 0 भी रख सकता है, ज्यादा मत रखो, रखेगा तो उधर मेटल छूटेगा बस। और इंक्रीमेंटल एंगल है, आप 1 डिग्री के जगह पे 0.5 डिग्री दे दिए तो और रफिंग एकदम एक रहेगा, एकदम वो नंबर ऑफ मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा, मीन्स मशीनिंग टाइम ज्यादा भी हो जाएगा, इसलिए जो है कट फ्रॉम बोथ साइड, अलाउ मल्टीपल प्लंज दे दिए तो ये बात ही खत्म हो, कैसे काम करने हैं, ठीक है। तो ये है रेडियल टूल पाथ, ये थंब स्पेशल टूल पाथ है, वो ऐसा सिचुएशन में आप आराम से यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली क्या है, एक प्रोग्रामर कौन सा टूल पाथ यूज करके अच्छा रफ आउट कम टाइम में करता है, वही है ना, वही है एक अच्छा, ये प्रोग्रामर अच्छा है तो वो ये सभी कंसिडर करेगा, हाउ बेस्ट आई कैन कट दी जॉब विथ लेसर टाइम एंड गुड स्ट्रेटजी, तो ये भी एक स्ट्रेटजी है, आप यूज कर सकते हैं, सिचुएशन डिमांड्स, ठीक है, वो कौन सा सिचुएशन में आप ऐसा टूल पाथ यूज कर रहे हो वो आपका सिचुएशन भी बताएगा, ऐसा नहीं है हमेशा ऐसा यूज करना है, इसकी जगह पे आप पॉकेट टूल पाथ भी यूज करके इसको कट कर सकते हैं, बहुत टाइम कम भी होगा पॉकेट टूल पाथ करने से, बट ऐसा आपको सिचुएशन आता है उसमें रेडियल टूल पाथ ही यूज करने का सिचुएशन है तो वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके सो ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी रेडियल टूल पाथ, ठीक है, दी कटिंग मेथड है, ये आपका इंक्रीमेंटल एंगल है, ये कटिंग डायरेक्शन के बारे में, रिमेनिंग चीज जो है वो हमने लास्ट टाइम देखा है वही है, ठीक है, थैंक यू।